अवसाद संगत सतगुरां ने महान बख्शिया कीतियां जो रखे गए समागमां दे विच अज छेवां दीवान प्यार वाले महापुरख सतगुरां दे पावन चरणां विच ये तुहाडा प्यार है, तुहाडा प्रेम है। बाबा जी ने प्रेम की बात आप जी ने सांझ की। सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन जे लगियां ने तने वजान, कबीर लागी पीत सजान सिउं वरजै लोग जान, लाउण वाले थोड़े ने तोड़न वाले बहुत ज़्यादा मिल जाणगे। बोलो सतनाम। तोड़न वाले बहुत ज़्यादा मिल जाणगे, लाउण वाले विरले होंदे ने। चलो जे विरलियां दे विच्चों बाबा जी ने प्यार बख्शिया, बाबा जी अपना आप दी रहमत बख्शिश करके ही, क्योंकि जी संगत वैसी रंगत चढ़ जाया करती है। श्रोमणी भगत भगत कबीर जी बख्शिश करते ने, कबीर चंदन का बिरबा भला बेड़े उटाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। जो बाबा जी के पावन चरणों के ये बख्शिशा हुई हैं, स्वामी डिसेवानंद महाराज जी बैठे ने और साध संगत बाबा जी ने आप जी, क्योंकि दास ने कोई समा नहीं कि महापुरशा ने कहा भी तुम इन्ना समा लाना है, नहीं, इन्हों का अपना घर है। फिर भी प्यार उही है, प्रेम उही है जड़ा निभ जावे, क्योंकि हुण तां बड़ियां आप जी ने बख्शिशां कीतियां अपनियां अरदासां सतगुरां दे पावन चरणां विच करनियां, नितनेम सिमरन करना, विधि वाले पाठ होने, सिर्फ इस करके कि महाराज जी कृपा करो महापुरखां नूं शरीर तक तंदुरुस्तियां, क्योंकि एक सोच है। पर महापुरख तां साध संगत जी ये तां साडे जीवां दा उधार करन वास्ते आउंदे है, पर शरीर तो शरीर है ना, तन तो तन ही है। गुरमुख बुढ़े कदे ना जिन अंतर सुरत ज्ञान, तो अपन कीतियां हुई अरदासां सतगुरां दे पावन चरणों में प्रवान हुई हैं। वो भी समा सी जदों मैं ते स्वामी डिसेवानंद महाराज जी, भावें श्रीमान संत बाबा गुरदयाल सिंह जी उड़म टांडे वाले दिल्ली पहुँचे हुए सन, साडा मन नहीं खड़िया। जिवें बाबा जी कह रहे से ना भी लत्त नूं लै के चले गए, मैं कौन आ जाण वाला, ये आप जी ने बुलाया। तो सत्संग तुहाडा प्रेम सी, तुहाडा प्रेम प्यार सी महापुरखां दा, ते उहनां दे चरणां विच ते साध संगत दर्शन करन वास्ते, क्योंकि जे भिखारी है ना वो मंगता है, उहनूं मंगण दी आदत पै जावे वो मंगण जांदा ही हुंदा। बोलो सतनाम। वाहिगुरु। जिहनूं आदत बण जावे ना मंगण दी, उहनूं मंगण तों सिवाए उहनूं कोई होर तक सुझदा नहीं, वह दर दर ते जांदा मंगण वास्ते ही जांदा है। सो आदत पै गई है मंगण दी। बाबा जी सियाड़ साहिब वाले ने ऐसी बख्शिश की है, वह प्रेम दियां दातां, वह नाम दियां दातां मंगण दी साध संगत जी आदत पा दित्ती है। इहो जे महापुरखां दे चरणां विच्चों जाके बस वह प्रेम वह प्यार उही दात लैण उही मंगण वास्ते जाईदा। सो बाबा जी ने बड़ा प्यार बख्शदे ने। जदों मैं ते स्वामी डिसेवानंद महाराज जी गए, केवल असी दो मिनट, मेरे ख्याल डेढ़ क मिनट मसा बैठे होवांगे, क्योंकि डॉक्टरां दा बंद कीता होया सी, पर डेढ़ मिनट असी वार महापुरखां कोले तां बैठ गए हैं, दर्शन किए हैं, सत जाणियो टांडे तो लैके पड़ैण तक आ गए, साडा गल करन नूं जी नहीं कीता। बोलो सतनाम। वाहिगुरु। गल करन नूं जी नहीं कीता, ते साध संगत हौली हौली सतगुरां ने महान बख्शिशां कीतियां महापुरखां नूं, सतगुरां ने अपनी निघी गोद विच तुहाडे चरणां दे विच बिठा के आ बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, रोम रोम करके सारियां संगतां वल्लों महापुरखां दा, संत बाबा गुरदयाल सिंह जी उड़म टांडे वाले रोम रोम करके स्वामी डिसेवानंद महाराज जी दे इस कुकर दे चरणां विचों, क्योंकि धनवाद दास दे गुरदेव बाबा जी सियाड़ साहिब वाले कहा करते सन, धनवाद कहते बेगाने का होंदा, अपने का धनवाद नहीं, अपने का तो शुकराना होंदा है, अपने अगे तो अपने अगे तो हाथ जोड़ के अरदास होंदी है। जे लगियां ने धने बजाण, जे आप जी की संगत प्राप्त हुई है, तो सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन
जिस तरह श्रोमणी भगत भगत कबीर जी बख्शिश करते ने ओ चंदन बन जाते ने चंदन कोल वसदे जेड़े चंदनी बन जाते ने चंदन कोल वसदे ने जेड़े जाते ने चंदन कोल वसदे जेड़े चंदन बन जाते ने चंदन कोल वसदे जेड़े चंदन बन जाते ने जी चंदन बन जाते ने जाते ने चंदन कोल वसदे जेड़े ओ भी चंदन 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 ओ भी ओ चंदन कोल वसदे जेड़े चंदन कोल वसदे ने जेड़े चंदन कोल वसदे चंदन कोल वसदे जेड़े कोल वसदे जेड़े चंदन कोल वसदे जेड़े कोल वसदे जेड़े चंदन बन जाते ने जी चंदन कोल वसदे ने जेड़े बेड़े टाक पलास ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास चंदन विच ऐसी बख्शिश है महापुरखां विच ऐसी बख्शिश है दसते गुरदेव तन तन श्री हजूर बाबा जी सियाड़ साहब वाले जिन्हां दी याद नूं आप जी सतगुरां दे पावन उस अखंड जाप गुरबाणी द्वारा गुरमतियां विचारां द्वारा कीर्तन द्वारा महापुरखां दे दीदार द्वारा आपां याद कर रहे हैं ताज़ा कर रहे हैं। बाबा जी अपनी पाक बित रसना तो सरवण कराया करदे सन क्योंकि अमृत बचन साध की बाणी जो साधु अपनी रसना तो उचारण करदे ने बचन करदे ने एक एक बचन एक एक सुवास जिवें कल भी आप जी सरवण कर रहे सन कि साधु सतपुरशां दा एक एक सुवास वह गुरबाणी दे नाल लग के आया करदा वलो सतनाम वाहेगुरु। फिर जिन्हां ने वह बचना नू कमा लिया जो जो जपै तिस की गत होवै जिहड़े जपदे ने जिन्हें आराधदे ने उन्हां दी गति दा कोई वर्णन नहीं कर सकता उन्हां दी महिमा नू कोई वर्णन नहीं कर सकता। आ गतियां कराउण वास्ते जाने हैं ना
महापुरखां दा बचन कमा लईए ज्योंदे गति हो जांदी है। बोलो सतनाम वाहेगुरु। हमारिया ते गतियां कराउण जाने आ ना, कहिंदे फलाना तंग करदा जी, फलाने तुहाडे वड्डे वड्डे प्रेत बण गए जी, पोइवे जावो जी, उहदी गति करा के आवो। मेरे सतगुर सच्चे पातशाह जी बख्शिश करदे ने, जो जो जपै तिस की गत होवै। कहिंदे मरन तों बाद गतियां कराउणा है, तू ज्योंदे जी जप, परमेश्वर दा सिमरन कर, बंदगी कर। सतगुरां ने ऐसी बख्शिश कीती है, अमृत बचन है, ओ सतगुरां दी रब्बी बाणी, वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जीवन अवर ना कोई। क्योंकि साधुआं दी रसना ते परमेश्वर दा वासा होया करदा है। गुरमुख रोम रोम हर त्यावे। आप जी कल भी सरवण कर रहे सन कि बाबा जियां दी पाक वित रसना ते बाबा जियां दे जीवन ते, और बाबा जियां दे जीवन दे विच धन बाबा आनंद सिंह महाराज जी तो बिना होर कोई आया ही नहीं। बोल सतनाम वाहेगुरु। उन्हां दा विश्वास सी, उन्हां दा साध संग जी भरोसा सी, उन्हां दा प्रेम सी, उन्हां दी लगी हुई सी, उन्होंने महान बख्शा करके धन बाबा आनंद सिंह महाराज के चरणों में लाई सी। बोलो सतनाम वाहेगुरु। असी लाने साड़ी लग जावे, एक दिन असी जाने हैं गुरु घर, माफ करना मैं आलोचना नहीं करता है। दूसरे दिन गए जे कोई मिलता, दूसरे कहना की गल होगी, तू सवेरे मैं देखा गुरुद्वारे जाता सी, दस गुरुद्वारे जाना माड़ी गल है। तदे भगत कबीर जी बख्शिश करते ने, कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों, बर जह लोग अजान। जे कित लग जाए ये लोगों दियाँ सुन के तोड़ लेंदा है, इत्थे की खड़ा है, नहीं ये तो उपर उठ, लोगों ने तो तेन लगन नहीं देना। जे लगन दे गए वो गुरमुख है, जेड़ा तेन तोड़दा वह मनमुख है। मनमुख ने कदों कहना तू गुरु घर जा, मनमुख ने कदों कहना तू गुरु वाला बन। तुहानू किसी रिश्तेदार ने कहा गुरु वाला बन, ते साध संगत जी किसी आंढ़ी गुआंढ़ी ने कहा गुरु वाला बन। जदों तुसी गुरमुख की संगत करोगे, जदों तुसी सतपुरशां की संगत करोगे, जदों तुसी दीवान अटेंड करोगे, जदों कथा कीर्तन के प्रवाह में जाने हो, वह बेनती करते ने भाई निगुरा ना संसार विचों चले जाई, खंडे बाटे की पहल लै, अमर दे धारणी बन, ते गुरु वाला बन के जाई संसार विचों। नहीं दुनिया तो ओ वर जै लोग अजान, परीता लगियां वर जै लोग अजान, परीता लगियां ओ वर जै लोग अजान, परीता लगियां वर जै लोग अजान, परीता लगियां। वर्जन लोग अजान, वर्जन लोग अजान, वर्जन लोग अजान, लोग जान वर्जन लोग जान, वर्जन लोग जान, वर्जन लोग जान। वर्जन लोग अजान, परीता लगियां वर्जन लोग अजान, परीता लगियां वर्जन लोग अजान, परीता लगियां वर्जन लोग अजान, परीता लगियां। पीर लागी प्रीत सजान, वर्जन सांस टुटी प्यो बने जाके लागी प्रीत सुजान, स्यों वर्जै लोग अजान, तांस टुटी क्यों बने। बाबा जी बख्शिश करते सन ना पटने की धरती का इतिहास, वीर बुद्धू शाह की लग गई
ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਬਗਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਨਾ ਵਾਰਦੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਂਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾਂ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਪੰਥ ਚੱਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਵਿੱਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਈ ਤਾਗਾ ਤਵੀਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ 40 ਦਿਨ ਨੇਮ ਨਾ ਉੱਠ 40 ਦਿਨ ਨੇਮ ਨਾ ਉੱਠ ਸਿਮਰ ਮਿਤ ਜੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਾਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠੇਗਾ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠੇਗਾ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਲੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਦਰਗਾਹੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਵਿੱਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਤ ਵਜਾਉਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਣਾ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਮਦੋ ਕੇ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਮਦੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਨਗਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਮਦੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆ ਕੋਈ ਸਾਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘੋੜ ਬਿਨ ਨਾਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਨਾਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਨੰਤ ਤਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਲਾ ਲਈ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੱਤ ਜਾਣਿਓ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਡੋਮੋ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁੱਠੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਊਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਮ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਨਹੀ�ਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੈ ਦਾਸ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂੰ ਜਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ
अज साध संग जी कहने तू गुरु वाला बन, असी सिखां दे घरे जन्म लैके असी साध संग जी कलीम शेप होंदे जाने। बाबा जिया ने उत्थे गला रुक गया ते सत्संग अपने जीवन वरतांत बारे, क्योंकि गला रुकण दा मतलब वो बैराग विच मन आ जांदा है, मैं किधर नू चलिया सी, मेरा जीवन किधर नू जा रहा सी। पर बेहर कीती नजर पई महापुरखां दी, भावें साध संगत आप जी बड़े महापुरखां दा जीवन जानदे हो, पर तीसरा नेत्र जेड़ा गुरु नू देखदा गुरु दा तकदा है, वो तीसरे नेत्र दी जिहड़ी दृष्टि सी वह संत बाबा गुरदयाल सिंह जिया ते पई, ते जीवन बदलता। बोलो सतनाम वाहेगुरु। तदे आखिया ना साध के संग नहीं किछ काल, दर्शन भेटत तू साधुआं दी संगत विच आके बैठता सही, तू साधु दी संगत तां करी ते करोड़ा जीवां दा उधार हो जांदा, फिर तेरा किवें नहीं उधार होवेगा। बोलो सतनाम वाहेगुरु। दास ते गुरदेव धन धन श्री जुर बाबा जी सियाड़ साहिब वाले अपनी पाक पवित्र रसना तो आए बैठना, खड़ के मैं खड़ा देना जोटियां नाल आ धारना पड़ाउंदे हुंदे सन। ओ साध संगत दी सकीरी सब तो वड्डी है, कर लो वड्डियो पागां वाले, संगत दी सकीरी सब तो वड्डी है, कर लो वड्डियो पागां वाले, संगत दी सकीरी सब तो वड्डी है, कर लो वड्डे पागां वाले, साध संगत दी सकीरी सब तो वड्डी है, कर लो वड्डे पागां वाले। प्यारे जी कर लो वड्डे पागां वाले, मेरे प्यारे कर लो वड्डे पागां वाले, प्यारे जी कर लो वड्डे पागां वाले, मेरे प्यारे कर लो वड्डे पागां वाले, कर लो वड्डे साध संगीत दी सकीरी सब तो वड्डी है, कर लो वड्डे पागां संगीत दी सकीरी सब तो वड्डी है, कर लो वड्डे हो साध के संग नहीं किछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। तू आ तो सही महापुरखां दे शरण बे, जदों तेरा जीवन बदलना है, जदों तेनू कोई दरगाही वस्तु मिलनी है ते साध संगत, उदों तेनू मंगण दी लोड़ नहीं, तेनू मंगण दी लोड़ नहीं, बस सतपुरश सामने खड़े ने तेनू देण वास्ते। बोलो सतनाम वाहेगुरु। देण वास्ते खड़े ने, आ चेते ही नहीं सी भी इहो जे महापुरखां नाल प्यार बनेगा, आ तुहाडे विच बैठण दा आ समा मिल जाएगा, आ बाबा जी सचखंड दरबार बख्श कर देणगे। सत्संग कसी जी पिंड पाई हुंदी सी, निक्की जी बूथी हुंदी सी, टुटिया जिहा स्कूटर रखिया हुंदा सी, दो तीन मशीनां घरे लगियां हुंदियां सी, बस स्कूटर ही चकनी ते साध संगत, कदे बरमा टुट गया कदे कुछ टुट गया, पर एक दिन ऐसा समा आ गया, एक दिन ऐसा समा आ गया कि पता लगे
कि बाबा जी 40 दिन का नितनेम कराउंदे कत्तक दी पूर्णवासी नूं आरंभ होना पोसु दी सतमी दसम पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आंदे ए अवतार ध्यान नूं मुख रखदिआं होइआं 40 दिन का नितनेम संगतां जाके करिआ करदिआं सन घरां दे विच वी करना कुछ प्रेमियां ने उत्थे वी जाणा जिवें कोतरी समागम उड़मुड़ टांडे आ रहे आ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਇਸ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ ਕਣਾ ਬਸ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬਸ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਿਰਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਢ ਗਿੱਠ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਡੇਢ ਗਿੱਠ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਉਣ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜੰਗਮ ਤੀਰਥ ਬਣ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਸ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਣਵਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਸ ਬਡਾਈ ਬੁੱਢਿਆ ਇਤਮਾ ਡੂਬੈ ਕੋਏ ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੈ ਵਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮਨਮੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗਤ ਸੰਗਤੀ ਚੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਤ ਹੋਰ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਔਗੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲਾ ਥੋਥਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਅੱਜ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਰਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਮਨਮੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ ਹੈ ਪੋਲਾ ਹੈ ਤਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੱਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਂਸ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੈਠੇਗਾ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਉ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਓ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਵਿਰਵਾ ਭਲਾ ਵਿਹੜੇ ਉਹ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਹੋਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਨੇ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ
चंदन खोल बस मेहवाले चंदन बन जाते ने चंदन खोल बस मेहवाले चंदन बन जाते ने चंदन खोल बस मेहवाले चंदन कोल वसने वाले 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 चंदन कोल चंदन कोल वसने वाले चंदन बन जाते ने जी चंदन कोल वसने वाले चंदन बन जाते ने चंदन कोल वसने वाले चंदन बन जाते ने चंदन कोल वसने वाले चंदन बन जाते ने चंदन कोल वसने वाले चंदन बन जाते वाले ओए पी चंदन होए रहे बस ये जो चंदन पास ऐसी संगत है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी ऐसी संगत है सतगुरां तो वरसाए हुए सतपुरशां दी जैसी संगत वैसी रंगत चढ़ जाया करती है। सो इस करके मुद्दू शाह नूं संगत हुई धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणां दा प्यार मिलिया बख्शिश होई। एक दिन जिहड़े घरवाली कहिंदी सी तू की लैके आ गया महाराज जी कहते केसरे कर रहे सन कंघा कर रहे सन असी दाता मंगते हैं ना बाबा जी दसते सन कि सत पुरशां दे झोले विच बस बीजे होण ते माया होवे इत्थे तुरे फिरदे हैं पर जिन्हां दी अख है जिन्हां दे अंदर प्रेम है जिन्हां दे अंदर जिहड़ा भिखारी बन गया गुरु दे दर दा उन्हें पल्ला कर लिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पावन चरणों में खड़ के महाराज जी आ तुहाडे रोम ये मैनू बख्श दिओ बोलो सतनाम लख लानत है असी रोमां नू नालियां विच रोलदे फिरदे हैं लख लानत है असी साध संगत जी सिखां दे घरे जन्म होके अबूथियां कहनियां बनाई फिरदे हैं पर साध संगत ओह पीर बुद्धू शाह जी ने पल्ला करके आख्या सी महाराज जी आ जिहड़े तुहाडे कंघे दे विच रोम ने ओह मेरी झोली पा दिओ। धन गुरु कलगीधर पातशाह जिथे खड़े सन उतों वह खाक उतों वह चरण धूड़ ली जदों घरे गए ये की लैके आ गया की चुक के ले आया की देता गुरु ने भगवान ने भावना भगवान ने शरदा रख ये तरन धूड़ी बेच ही ये रोमां बेच ही सारिया बख्शिशा मिल गई जदों वह रो धूड़ी चरण धूड़ जी धन गुरु कलगीधर पातशाह जी आंदी सी जिहड़ी करवाली कहिंदी सी पुत्र मरवा दे तिने तैनूं मिलिया की है जदों उही चरण धूड़ मस्तक ते लाई जिवें मंदरा बे जाने आपां तां कुझ तिलक लगदा है जां बीबियां सिंदूर चीरमी विच पाउंदियां ने जदों उह मस्तक ते चरण धूड़ लगी कपाट खुल गया जिहड़े कहिंदी सी मेरे पुत्र मरवा ते उह जदों नज़र तीसरा नेत्र खुल्लिया सतगुरां दी बख्शिश होई वह पुत्र किते होर नहीं सी वह पुत्र गुरु कलगीधर पातशाह दी गोद विच बैठे नजर आ गए बोलो सतनाम वाहेगुरु। ऐसिया महान बख्शिशा तो साध संगत अंचल गह के साधका तरना यो संसार महापुरखा ने पहला शब्द तारना ही यह चकी सी। सो इस करके आओ साध संगत सतगुरां ने महान बख्शिशा कीतियां आप जी भागा वाले हो उत्तम कर्मा वाले हो ते जो ये इस कुकर नूं भी भागां वाला बनाउणी आ क्योंकि तुसी आए ते ये उद्दम बख्शिया महापुरखां ने सतपुरशां ने
आ सतसंगी कुंभ रचिया गया। अज छेवां दिन है, दो दिन रह गए, रहिंदे समय की आपने संभालना करनी है। बड़े भागां वाले मैं नहीं कहिंदा कि तुसी कहना नहीं मनदे जां तुसी बचन नहीं कमाउंदे, जो इस स्थान तो जो इस स्टेज के उपरों बेनती रूप तुहानूं बेनती कीती जांदी है, हर एक हिरदे विच तुसी वसाउंदे हो, हर एक बेनती नूं मनदे हो। तो साध संगत इस करके आओ, सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन, महापुरखां दा संत बाबा गुरदयाल सिंह उड़मुटांडे वाले उन्हां दा घर है, स्वामी जी सेवानंद महाराज जी, जिन्हें भी महापुरख आउंदे ने ये प्यार वाले है। कोई ऐसी गल नहीं, मैनू महापुरख कहण लगे स्वामी जी सेवानंद जी, कहिंदे दुख मुक ही अपना परखिया जांदा है, जदों वक्त पैंदा ना जाको मुश्किल अत बणे ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साख भी भज खले। कहिंदे उदों ही पता लगदा दुख मुके किहड़ा अपने कोले खड़दा है, किहड़ा अपने तो दूर हुंदा है। कहिंदे आपां उहनां नूं महापुरखां नूं बुलाउणा जिहड़े तुहाडे दुख विच आ के खड़े, जिन्हां ने मोढ़े नाल मोढ़ा लाया। पर मेरे विच कोई औगण नहीं, मैं सच कहिंदा, पर एक कृपा है दास दे गुरदेव धन धन श्री गुरु बाबा जी सियाड़ साहब वाले, साडा मक्का है नानक सर दी धरती, जिथों दास दे गुरदेव धन धन श्री गुरु बाबा जी सियाड़ साहब वालिया ने महान बख्शा वो दाता मिलिया, हर मनतन वसया सोई, एक बचन बाबा आनंद सिंह महाराज जी का हिरदे विच वसाया, हर मन तन वसया सोई, जय जयकार करे सब कोई, एक बचन ने देसा विदेशों के विच उन्हां दी जय जयकार कराती, अज भी जय जयकार हो रही है। वह किस रूह में हो जाए, वह किसी वड्याई बख्शिश कर देन, वह मक्का है उतों मौजूदा महापुरख श्रीमान संत बाबा हरभजन सिंह जी, जदों उन्होंने पता लग्या उस टाइम मैनू दास नूं फोन किया, रिहा नहीं गया, कहिंदे मेरा मन नहीं खड़दा, कहिंदे हुण ड्राइवर चले गया, मैं सवेरे साजरे किते जाना सी, जे किते पहलां पता लग जांदा मैं रात नूं ही तुहाडे कोल आ जाना सी। बोलो सतनाम वाहिगुरु, इहनूं प्रेम कहिंदे ने। दूसरे दिन आ गए साध संगत, हुण प्रेम दी देखो, कहिंदे एक बेनती करनी है तुहानूं, मैं कहिंदा नहीं जी हुक्म करो। बाबा जी नानक सर वाले बाबा हरभजन सिंह जी कहिंदे एक बेनती, मैं कहा जी हुक्म करो। कहिंदे बथेरी सेवा करनी आ, बथेरा भज्जिया नठिया फिरेंगा, कोई ऐसी गल नहीं, बड़ी बाबा जी की बख्शिश है, ये अंग पैर बार बार नहीं जुड़ते होंगे, आराम करना। जे डॉक्टर दो महीने कहूगा, कहिंदे 15 दिन साड़ी खातर, 2.5 महीने तुसीं, जे डॉक्टर 6 महीने कहिंदा तो 15 दिन साड़ी खातर, वध आराम करना। पर महापुरखां ने ऐसी बख्शिश हुई, तुहाडियां अरदासां, महापुरखां दियां अरदासां। मैं बाबा जोगा सिंह जी नूं कहा, मेरे कोल होस्पिटल आए, मैं कहा भी बाबा जी उड़मुटांडे वाले बाबा गुरदास दस्सियो ना, क्योंकि वह तो पहले ही उन्होंने एडा वड्डा दुनिया का भार लिया होया है, क्योंकि प्रेम है। पर रिहा नहीं गया, बाबा जिया ने मैनू साध संगत जी टैलीफोन किया, मैं कह नहीं बाबा जी मैं ठीक, आप जी की कृपा, ऐसी गल नहीं, मेरे तो अंग पैर टुटिया तो जुड़ जाने हैं, पर आप जी ते जो आप जी ने दुनिया का एक कष्ट लिया वो दुख लिया, तो साध संगत वो आप जी ही जानते हो। तद ही दास गया सी, स्वामी सेवानंद महाराज जी आए थे, पूर्णमासी का पवित्र दिहाड़ा सी, मैं कहा जी मेरा मन नहीं लगता। कहिंदे की गल होगी, मैं कहा मैं टांडे जाने का मन करता। ये कहिंदे केड़ी गड्डी बैठ जाओगे, मैं कहा नोवा गड्डी मैं सौखा जहा बैठ जाना। बस दूए दिन ही नोवा गड्डी ले आए। बाबा जी कहते ना भी लत लैके ही आ गई, असी कौन है तुसी बुला लिया, तो इस करके सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन, ये प्रेम ते प्यार, ये तुहानू ये नहीं कहा जी असी आपदी मशहूरियां करते हैं, एडवरटेजमेंट करते हैं, नहीं, ये तुहानू सुनाउण दा तदे फायदा है जिहड़े तुहाडे ईरखा द्वैत विच भरा दी भरा नाल नहीं बनती, रिश्तेदारां दी नहीं बनती, गुआंढियां दी नहीं बनती, कहते ये महापुरखां दी ये सुन के, ये विचार सुन के ही हिरदे विच तुहाडा मन बन जावे कि तुहाडी भी बन लग जावे। बोलो सतनाम वाहिगुरु, तुहाडे मन विच भी प्रेम का बीज बोया जावे, तुहाडे मन विच भी कोई प्रेम का बूटा हो जावे ते उहदा फल लग जावे, ते तुहाडे मन का प्रेम तुहाडे प्यार विच, तुहाडे परिवार दे विच, रिश्तेदारां दे विच उह ऐसा प्रेम का बूटा जागर होवे, सारे उस प्रेम दे बूटे दी छां विच बैठो, जिस छां नूं मेरे पातशाह कहिंदे होवो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबधा दूर करो लिवलाई, ए तदे मिलना है
जे असी परमेश्वर का सिमरन करांगे जे बचना नू कमावांगे जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरीए अमृत वेले उठो इशनान पानी करो अपने मुरशद दा बचन नू कमाओ फिर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन चरणा च लाओ असीस ते बख्शीश ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ एक नहीं दो नहीं हुईया तमाम भुलां दी खिमा बख्शो जी धन है धन है गुरु नानक साहेब जी धन है धन है धन है धन है गुरु अंगद देव साहिब धन है धन है धन है धन है गुरु अंगद देव साहिब धन है तान है दान है गुरु अमरदास जी दान है तन है तन है तन है गुरु अमरदास जी तन है तन है तन है तन है गुरु रामदास जी दान है तन है तन है तन है तन है गुरु अर्जुन देव साहिब तन है तन है तन है तन है गुरु अर्जुन देव साहिब तन है धन है धन है गुरु हरगोबिंद साहेब जी धन है धन है धन है गुरु हरगोबिंद साहेब जी धन है धन है धन है धन है गुरु श्री हर राय साहेब धन है गुरु श्री हर राय साहिब तन है तन है तन है धन है श्री हर कृष्ण साहिब जी धन है तन है तन है तन है तन है श्री गुरु तेग बहादुर साहिब तन है तन है तन है तन है श्री गुरु तेग बहादुर साहिब तन है तन है तन है धन है गुरु गोविंद सिंह जी धन है तन है तन है तन है धन है गुरु गोविंद सिंह जी धन है तन है तन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता धन है तन है तन है तन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता धन है तन है धन है धन है मेरा पंत काल सा धन है धन है धन है धन है मेरा पंत काल सा धन है धन है धन है धन है गुरु की प्यारी साज संगत जी धन है धन है धन है धन है गुरु की प्यारी साज संगत जी धन है
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਨ ਜਪੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੂਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਨੀ ਆਦ ਸੱਚੀ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੂਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੂਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪੌਣੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਚੰਦਾ ਤੁਚ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖਮੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵਈ ਕਾਇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆਨ ਹੈ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਵੰਦਾ ਪਵੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਚੰਦਾ ਕਿਆ ਮੋਚੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਆਓ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਠਾਕਰੇ ਤੁਮ